हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, कल की वीडियो में जब हमने बात की तो हमें लग रहा था मार्केट के डाटा को देखकर कि जो मार्केट की जो एक्सपायरी होगी वो तकरीबन 10700 के लेवल्स के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बाजार के अंदर आपने देखा कि आज जो डॉलर है उसकी वैल्यू तकरीबन 69 रुपीज के आसपास पहुंच गई हो, और जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस भी तकरीबन 5000 के आसपास चला गया, तो मार्केट ने आज ही एक क्रैक डाउन दे दिया था। लेकिन हमने जो एक कल कॉल दी थी कि आप जुलाई फ्यूचर्स को या जुलाई पुट को बाय करके यहां पर काम कर सकते हैं, या फिर जुलाई के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको 10750 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था, और नीचे की तरफ 10550 10500 के टारगेट्स दिए गए थे। तो उसके अंदर आप लोगों को जरूर 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से देखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं आप सबने बुक कर लिया, अगर किसी ने बुक नहीं किया उसको कैरी कर रहा है। तो चलिए आगे के लिए देखते हैं कि मार्केट टेक्निकल चार्ट्स पर कैसी दिखाई दे रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। दोस्तों, हमने कल भी वीकली चार्ट्स के ऊपर देखा था कि बाजार ने जो कल के लो बने थे, या यूं कहें कि पिछले हफ्ते के लो बने थे, उनको तोड़ दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट्स पर कंफर्मेशन जब मिलेगी, जब वीकली चार्ट्स क्लोज हो जाएंगे, यानी कि आज तक तो हम तकरीबन 10600 के नीचे आ चुके हैं। अगर कल की भी क्लोजिंग 10600 के नीचे की ही होती है तो बिल्कुल वीकली चार्ट्स पर बाजार का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वीक हो जाएगा, और हम यहाँ से और 300-400 पॉइंट के वीकली चार्ट्स पर गिरावट आराम से देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए RSI अपने सपोर्ट लेवल यानी 50 के आसपास पहुंच चुकी है, 52 के पास वीकली चार्ट्स पर ट्रेडिंग कर रही है। दोस्तों, डेली चार्ट्स की बात की जाए तो कल हमने बताया था कि बाजार ने एक ब्रेकडाउन दे दिया, 20 दिन और 50 दिन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ने डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग दी थी। आज एक बार फिर से हमें एक फॉलो अप सेलिंग बाजार के अंदर नजर आई है। तो फिलहाल के लिए भी लग रहा है कि बाजार थोड़ा वीक नजर आ रहा है, और जो 100 दिन की मूविंग एवरेज जो हमने कल टारगेट दिए थे, यानी कि 10500 के आसपास जो 100 दिन की मूविंग एवरेज आ रही है, वहां पर जाकर एक बार निफ्टी हो सकता है सपोर्ट ले, क्योंकि वहां पर डेली चार्ट्स पर काफी अच्छा एक अहम सपोर्ट भी है। दोस्तों, हावली चार्ट्स पर बात की जाए तो हावली चार्ट्स पर एक राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन बन रही है। अगर 10550 के नीचे हावली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी क्लोज देगा तो वो फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, और फिर वहां से तकरीबन इस पैटर्न के हिसाब से 350 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी, जो बाजार को 10200 तक नीचे की तरफ लेके आ सकती है। दोस्तों, फ्यूचर्स के डाटा की बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर्स का डाटा अभी भी तकरीबन मार्केट के अंदर 1 पॉइंट के आसपास प्रीमियम के अंदर। अगर जुलाई फ्यूचर्स की बात की जाए तो जुलाई जो फ्यूचर्स का डाटा हो तकरीबन मार्केट के अंदर डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जुलाई फ्यूचर्स तकरीबन 10575 के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहीं पर स्पॉट का प्राइस 10589 या 90 के आसपास है, यानी कि 15 पॉइंट के आसपास का डिस्काउंट निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ऑप्शंस डाटा की बात की जाए तो ऑप्शंस डाटा के अंदर जो हाईएस्ट कॉल पुट ओपन इंटरेस्ट जो अभी फिलहाल के लिए खड़ा हुआ वो तकरीबन 10500 और 11000 ऊपर की तरफ है, यानी कि बाजार के अंदर अभी जो रेंज दिखाई दे रही है 10500 के पुट के बाद, अगर बात करें 10300 की पुट पे भी अच्छा खासा 10200 की पुट पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि हो सकता है मार्केट एक रेंज के अंदर दोबारा से बनाए। लेकिन फिलहाल के जो रेंज बाजार दिखा रहा है वो एक बार के लिए 10500 से 11000 है, लेकिन 10500 टूटता है तो अगला सपोर्ट फिर बाजार के लिए 10200 के आसपास उभर के आएगा। दोस्तों, फिलहाल डेली चार्ट्स को देख के हमारी क्या कॉल रहनी चाहिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आप 10750 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को सेल कर सकते हैं, इसके अंदर 10500 तक के टारगेट दिए गए थे। तो मैं बात को बताना चाहूंगा कि नया स्टॉप लॉस जो बाजार के लिए उभर के आ रहा है वो तकरीबन 10695 के आसपास, यानी स्टॉप लॉस काफी ऊपर है, और टारगेट जो इमीडिएट टारगेट निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 10530 10520 के आसपास है, जहां पर 100 दिन की मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो आपको बताना चाहूंगा कि नई शॉर्टेज तो यहां पर नया शॉर्ट करना या पुट खरीदना तो आपको एडवाइजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी ऊपर है। लेकिन अगर आप अपनी शॉर्ट पोजिशंस को कैरी कर रहे हैं तो उनको कैरी करते रहिए, आपको 10520-30 तक के लेवल्स हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर बाजार आपको ऊपर की तरफ मिलता है, 1-2 दिन में कोई उछाल आता है, फिर वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं, या फिर 10500 के नीचे बाजार ब्रेक डाउन देता है तो एक फ्रेश डाउन मूव की शुरुआत होगी, जो बाजार को 300 पॉइंट नीचे और लेके जा सकती है, तब आप सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि इन लेवल्स पर पुरानी शॉर्ट पोजिशंस को कैरी किया जा सकता है, लेकिन नई शॉर्ट पोजिशन बनाने में काफी रिस्क है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती तो प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलूंगा दोबारा एक नई वीडियो के अंदर नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।